Hey guys, welcome to an academy. So this is our YouTube channel. Let's crack eleven CBSE Commerce. Okay, let's continue. So I'm Riti Spandana, I've done my B.Tech and I have 9 years plus teaching experience and I'm a faculty in Hyderabad. So a quick introduction about our an Academy platform, that is what is it that you're going to get on our an Academy app.

सो लाइव सेशंस का एक बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि आप प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हो आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप तुरंत उनको क्लैरिफाई नहीं करवा सकते हो बट ऑन अ लाइव सेशन वट इज़ आपको लाइव चैट रहेगा सो एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क द एजुकेटर दोज डाउट्स इमिजिएटली सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज दैट टू हैव द डेली लाइव सेशन दैन भी आप डेली लाइव टेस्ट इन क्विजेस सो लाइव टेस्ट और क्विजेज़ आपको रियल टाइम एग्जाम का एक्सपीरियंस भी देगा तो uh, अगर आप एग्ज़ाम uh, के पहले ये टेस्ट लेते हो तो इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट आर योर स्ट्रांग एर एंड वॉट आर यू वीक एयरियज एंड वे आर यू नीड टू वर्क हार्डर एंड इम्प्रूव वी हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्स तो जो भी कोर्स का आप सेशन लेना चाहते हो सब्सक्राइब करना चाहते हो वेदर इट इज़ लेव स्टैंडर्ड और यू नो एन टी एस सी और एनी जेई एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सो एनी थिंग दैट यूर प्रिपेयर फॉर द कोर्स इज गोइंग टू बी एब्सिल्यूटली रिलेवेंट टू द सिलबस ऑफ दैट एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अनलिमिटेड एक्सेस लेट से आपने कोई एक लाइव सेशन मिस कर दिया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको अवेलेबल रहेगा थ्रू आउट योर सब्सक्रिप्शन पीरियड द सेकेंड थिंग इज अगर आपने कोई रिकॉर्डेड सेशन अटेंड भी किया यू डोंट हैव टू वरी एवरी फाइव टू सिक्स क्लासेज वी विल हैव वन डाउट सेशन तो अगर आपने कोई एक लाइव सेशन मिस भी किया है और बाद में अगर रिकॉर्डेड सेशन आप अटेंड करते हो तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप डाउट सेशन में क्लैरफाई कर सकते हो सो दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज टू गेट ऑन आर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म दैट इज ऑन दी ऐप So, you will get an opportunity to prepare with our top educators. So, all our educators are very qualified and experienced. ऑल यू हैव टू डूस गो इन टू द गूगल एप स्टोर और एपल एप स्टोर एंड डाउनलोड आर एन एकेडमी लर्निंग एप और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद सिर्फ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कौन से सब्जेक्ट या कौन से एग्जाम का आपको प्रिपरेशन uh, करना है फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज सी बी एस ई क्लास इलेवेंथ फॉर एग्जाम्पल और ट्वेल्थ और टेंथ देन पूरे ईयर के सारे सब्जेक्ट कवर होंगे उसी एक सब्सक्रिप्शन में प्लीज रिमेंबर यू डोट हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आप सिर्फ एक यू नो क्लास का अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके सारे सब्जेक्ट्स के आपको कोर्सेज uh, और सेशंस मिल जाएंगे So, if you look at this, uh, we are also on Telegram channel. So, I also have uh, my Telegram channel, which is Class 11 CBSE channel. And uh, if you want, you can find the link in the description box below. And in the description box below, you'll also find my educator profile, An Academy educator profile, and also you'll find a link from where you can download the An Academy app. सो दिस इज़ न्यू स्टूडेंट्स तो ये uh, कल से आज बहुत चेंजेस आए हैं हमारे फी स्ट्रक्चर में विच इज़ बेटर विच इज़ फॉर द बेस्ट जैसे uh, अभी हम एक सब्सक्रिप्शन है ये लेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन रहेगा क्योंकि ये टू इयर्स का सिलेबस है तो हम रिकमेंड करते हैं मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ट्वेंटी फोर का सब्सक्रिप्शन ले लो बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस Uh, क्योंकि सिक्स मंथ्स का अगर आप ट्वेल्व मंथ्स का लेते हो सिक्स मंथ्स इधर सिक्स मंथ्स उधर आपको वो फुलफिलिंग नहीं लगेगा एंड स्पेशली इस साल सारे सेशंस जो है वो थोड़े से लेट स्टार्ट हुए हैं तो अगले साल कब एग्ज़ाम्स होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है तो छः महीने का सब्सक्रिप्शन आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा सो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू यू नो टेक अप द ट्वेंटी फोर मंथ सब्सक्रिप्शन विच विल इंक्लूड बोथ लेवेंथ स्टैंडर्ड एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सिलेबस और अब भी क्यों लेना है आपको सब्सक्रिप्शन ट्वेल्थ का भी क्योंकि आपको यहाँ पर फी बहुत कम में मिल रहा है अगर आप नेक्स्ट ईयर तक वेट करोगे फीस शायद बढ़ जाए देट इज़ वन टू रिमेंबर दैट एलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट्स बहुत कोर रिलेटेड हो जाते हैं तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूटर को रखना पड़ता है एंड स्पेशली दीज टाइम्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वन ईयर प्राइवेट ट्यूशन्स रखना इज नॉट रियली वेरी सेफ सो ऑनलाइन यू नो सेशंस आर ऑलवेज द बेस्ट और आपको फी में भी बहुत यू नो कम फ़ी पड़ेगा ये वाई बिकॉज अगर आप प्राइवेट ट्यूटर्स रखते हो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फ़ी पे करना पड़ेगा बट योर योर गोइंग टू गेट ऑल सब्जेक्ट्स फॉर टू ईर्स दैट इज फॉर योर एलेवेंथ स्टैंडर्ड एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का आपका ट्यूशन का फी पड़ रहा है सिर्फ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड उसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे आर आई टी आई तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और ट्वेंटी फोर मंथस का आपको फी हो जाएगा सिर्फ ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ यानी पर मंथ थाउजेंड से भी कम पड़ रहा है आपको ट्वेंटी फोर मंथ का ट्यूशन फी इसमें आपको क्लासेस इंक्लूडेड है लाइव सेशंस इंक्लूडेड है डाउट सेशंस इंक्लूडेड है क्विज और टेस्ट इंक्लूडेड है सब कुछ और सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है वेदर यू बिलोंग टू कॉमर्स स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम बायोलॉजी स्ट्रीम एनी स्ट्रीम यू कैन गेट यूर सब्सक्रिप्शन डन सो प्लीज डू नॉट डिले एनरोल टूडे सो टू चैप्टर आर चैप्टर वन द लेमेंट ये बावन वर्ड्स का टेक्सट बुक से हम सीख रहे हैं ये पर्टिकुलर लेसन ओके सो लेट्स लुक एट द टेक्सट बुक ना ओके So any doubts so far?

ओके विच इज़ रिटर्न बाय एंटन चेक हो ओके सो ये जिन्होंने लिखा है उनका नाम है एंटन चेक हो लेट्स कंटिन्यू इट इज़ टवायलाइट ट्वायलाइट का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग ओके सो जो uh, सुबह सुबह का जो लाइट आता है उसको ट्वायलाइट बोलते हैं इट्स बेसिकली द यू नो पिंक कलर का ग्लो जो स्काई में आता है सुबह बिफोर सनराइज और एग्जैक्टली द टाइम ऑफ सनलाइट दैट ट्वाईलाइट ओके सो इट इज ट्वाई लाइट अ थिक वेट स्नो इज स्लोली टूअलिंग अराउंड टूअर्लिंग इसे रोटेट कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है टूअर्लिंग अराउंड द नियरली लाइटेड स्ट्रीट लैंप्स एंड लाइंग इन सॉफ्ट थिन लेयर्स ऑन रूफ्स ऑन हॉर्सेस बैक्स ऑन पीपल्स शोल्डर्स एंड हैथ्स सो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि थिक् वेथ स्नो जो है वो धीरे धीरे से गिर रहा है स्नो स्ट्रीट लैम्प्स पे और छोटे छोटे लेयर्स पे रूफ्स पे हॉर्स बैक्स पे और पीपल के शोल्डर पे तो वहाँ पे लोग चल रहे हैं और सबके ऊपर स्नो uh, गिर रहा है एंड हैथ द कैब ड्राइवर आयोना पुटाउ ये थोड़े रशियन नेम्स लग रहे हैं सो प्रॉब्ली दिस इज सेट इन रशिया वेयर इट इज एक्चुअली वेरी कोल्ड एंड स्नो इज वेरी कॉमन दैट इज क्वाइट वाइट एंड लुक्स लाइक अ फैंटम द कैब ड्राइवर जो कैब चला रहा है वो बहुत ज़्यादा फेयर है वाइट दिख रहा है एंड लुक्स लाइक अ फैंटम मतलब एक भूत के जितना uh, सफ़ेद दिख रहा है वो विच मीन्स प्रॉब्ली इज़ वेरी पेल ऑल्सो ओके देन ही इज़ बेंड डबल एज फार एज ह्यूमन बॉडी कैन बेंड डबल ही इज सीटेड इन हिज़ बॉक्स ही नेवर मेक्स अ मूव यानी वो uh, झुक के बैठा हुआ इतना झुका है वो कि जितना एक इंसान झुक सकता है उतना झुक गया है वो और अपने डब्बे में बैठा है सो so यहाँ पे कैब ड्राइवर किसको बोला जा रहा है हॉर्स कैरेज होगा वो और हॉर्स कैरेजेज कैसे रहते हैं हॉर्स uh, में एक केबिन बना रहता है जिसमें वो बंदा बैठता है जो ड्राइव करता है एंड पीछे एक और uh, केबिन रहती है जहाँ पे पैसेंजर्स बैठते हैं सो प्रॉब्ली वो सिटिंग इन इज बॉक्स है so He never makes a move, यानी वो बिल्कुल हिलता नहीं एक स्टैचू की तरह बैठा है If a whole snow drift fell on him, it seems as if he would not find it necessary to shake it off, यानी एक पूरा अगर स्नो भी उनके ऊपर गिर जाए तो वो ऐसे बैठे हैं जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पूरा स्नो भी उन पर गिर जाए तब भी वो झटका भी नहीं रहे और वैसे के वैसे ही बैठे हैं it seems as if he would not find it necessary to shake it off. His little horse is quite इज ऑल्सो क्वाइट व्हाइट तो उनका हॉर्स भी बहुत वाइट है एंड रिमेन्स मोशनलेस तो वो हॉर्स भी शायद उस कोल्ड क्लाइमेट को यूज टू है तो वो भी बिल्कुल हिल नहीं रहा है इट्स इमोबिलिटी इट्स एंगुलरिटी एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स इवन क्लोज बाय गिव दरेंस ऑफ अ जिंजो ब्रेड हॉर्स वर्थ अ कोपेक तो ये क्या कर रहा है कि वो uh, जिस प्रकार से वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है और जिस एंगल से ये ऑथर को वो दिख रहा है एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स यानी उसके जो लेग्स हैं वो वुड की तरह दिख रहे हैं इवन पास से इट द अपीयरेंस ऑफ अ जिंजर ब्रेड हॉर्स अ कोपेक यानी वहाँ पे जिंजर ब्रेड के जो हॉर्सेस बने रहते हैं जो जिंजर ब्रेड से विच इज़ लाइक अ बिस्किट ओके सो उस टाइप का हॉर्स लग रहा था वो रियल हॉर्स नहीं लग रहा था

निकाला गया था प्लाउ इज़ द फार्म सो हॉर्स जो है वो फार्म्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं फार्मर्स के लिए तो अगर फार्मर के पास का हॉर्स uh, को आप निकाल दोगे और यूजुअल ग्रे सराउंडिंग यानी यूजुअली फार्म के जगह पे का कैसे रहता है कि इतना ज़्यादा हड़बड़ हल्ला गुल्ला कुछ नहीं रहता है शांति रहती है बहुत सारी सो so, अगर ऐसी जगह से उसको निकाल के ऐसी जगह पे ला देंगे जहाँ पे इट्स फुल ऑफ मॉन्स्ट्रस लाइट्स यानी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो फुल ब्लेज्ड स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं देन अनसीजिंग सीज का मतलब होता है स्टॉपिंग सो अनसीजिंग इज अनस्टॉप Noise, noise, तो यहाँ पे हॉन्किंग जो ट्रैफिक चल रही है उनकी हॉकिकिंग ये सब चीजों की बात हो रही है अनसीजिंग नॉइज एंड हरिंग पीपल यू टू वुड फाइंड इट डिफिकल्ट नॉट टू थिंक यानी अगर आपको भी एक शांति वाली जगह से उठाकर अगर इतनी डिस्टरबेंस वाली जगह पे डाल दें तो आप भी सोचते हुए रह जाओगे या यू विल ऑल्सो एंड अप थिंकिंग दैट्स वॉट ही वॉन्ट्स टू कन्वे योअर सो बेसिकली वॉट इज ही टॉकिंग अबाउट ही इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ इज ही इज एक्सप्लेनिंग हाउ इन द ट्वाइलाइट इन द यू नो सन लाइट विच यू नो द स्मॉल रेज दैट कम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड यू नो द स्काई वेन द स्काई टच इज़ द सन टच इज़ द

डॉल है एक बिस्किट है बिस्किट जो जिंजर ब्रेड का हॉर्स होता है उस टाइप का एक बिस्किट जैसा दिख रहा है क्यों क्योंकि वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है कोई बहुत ही डीप सोच में लग रहा है और ऑथर को लगता है कि वो इतने सोच में इसीलिए है क्योंकि उसको फार्म से निकाल के मेन रोड पे डाल दिया है तो मेन रोड पे जो नॉइजेज है डिस्टरबेंस है इन सब चीज़ों की वजह से जो वो हॉर्स है वो कुछ नहीं कर पा रहा है देन Iona and his little horse have not moved from their place for a long time. So who is Iona? Iona is the cab driver. Okay. Iona Potaupo is the cab driver. So Iona and his horse. Sorry. Iona and his little horse have not moved from their place for a long while. They left their yard before dinner and up to now not a fare. तो so बेसिकली उन लोगों उन लोगों ने अपनी जगह से बिल्कुल हिले ही, ही नहीं हैं बहुत देर तक द लेफ्ट द यार बिफोर डिनर एंड अप टू नाउ नॉट टू फेयर यानी वो अपने घर से डिनर के पहले निकल चुके हैं और अभी तक एक सिंगल भी सवारी नहीं आई है फेयर का मतलब होता है मनी दैट दे गोइंग टू गेट और द यू नो पीपल दैट

यानी शायद थोड़ा सा ड्रिजलिंग हो रहा है या फिर हो सकता है कि स्नोफॉल हो रही है द वाइट लाइट्स ऑफ द लैम्स आर रिप्लेसिंग ब्राइटर रेस यानी जो वाइट लैम्प्स के जो लाइट हैं वो डिम थे अभी तक अभी वो ब्राइट होते जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा है एंड द हब ऑफ द स्ट्रीट इज गेटिंग लाउडर हबब का मतलब होता है जो डिस्टर्बेंस होता है तो वो डिस्टर्बेंस ऑफ द स्ट्रीट इज ऑल्सो गेटिंग लाउड हो क्योंकि शाम होते ही के साथ सभी लोग घर से बाहर आते हैं ऑफिस से बाहर आते हैं सो दिस इज ऑल्सो वेरी हैज बिकम वेरी नॉइजी द स्ट्रीट कैबी फॉर कैबी फॉर विबॉर्गवे सडनली हियर्स आयोना कैबी सो कैबी फॉर विबॉर्गवे तो एक पर्सन uh, जो है वो चिल्लाने स्टार्ट किए हैं कैबी फॉर विबॉर्गवे विबॉर्गवे इज अ प्लेस और मुझे एक कैब कैब चाहिए वहाँ वहां जाने के लिए ये चिल्ला रहे हैं यहाँ पे सडनली आयोना को सुनाई दिया कैबी आयोना जम्स जम्स यानी सचमुच में कूदना नहीं सडनली जब कोई बुलाता है तो जिस प्रकार से आप स्टाल होते हो दैट इज वॉट इज जम्पिंग सो जम्पिंग योर इज नॉट लिटरल जम्पिंग जम्पिंग योर इज टू बी सडनली नींद से जगना जैसा जैसा झटका लगता है उसको जंप बोलते हैं सो आयोना जंप्स एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड आई लैशेज सीज एन ऑफिसर इन अ ग्रेट कोट विथ इज हुड ओवर हिज हेड तो एक पुलिस uh, ऑफिसर है वहाँ पे जो आ, कोट पहने और हुड के साथ क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है तो आ, ये आयोना जो है वो जैसे झुक कर जो है अपने दुनिया में खो गया था और सडनली उसको जैसे ही वो सुना एक झटके से उठा और देखा तो वहाँ पे एक पोलिस ऑफिसर था विबोर्ग वे द ऑफिसर रिपीट्स आई यू स्लीप हाँ वे तो वो दोबारा बताता है कि वे वे जाना है मुझे क्या तुम सो रहे हो मुझे वेबॉर्गवे जाना है विथ द नॉन ऑफ एसेंट आईना पिक्सअप हिज रीन्स रीन्स क्या होता है सो प्लीज़ रिमेंबर दैट आर ई आई जी एन रीन जो होता है उसका मतलब होता है रूल आर ई आई एन रीन इज बेसिकली जो हॉर्स के वो रस्सी होती है जिससे हॉर्स को कंट्रोल करते हैं उसको रीन्स बोलते हैं सो रीन का मतलब होता है कंट्रोल करना सो पिक्स अप द रीन्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लेनो स्लिप ऑफ द हॉर्से बैक एंड नेक तो हॉर्स पे जो जमा हो गई थी स्नो वो पूरी नीचे स्ले स्लेहाइंड हॉर्स द कैब ड्राइवर्स स्मैक्स इज लिप्स स्मैकिंग इज लिप्स डू ये करना ये स्मैकिंग ऑफ द लिप्स होता है टू एंकरेज हिज हॉर्स स्ट्रेचेज आउट हिज नेक लाइक अ सिट्स अप एंड मोर देन हैबिट देन नेसेसिटी ब्रांडिश इज विप तो यूजली विप क्या होता है वो जो लंबा uh, रस्सी जैसा रहता है जिससे हॉर्स को कंट्रोल करते हैं उसको विप बोलते हैं सो so, वो कैब ड्राइवर क्या करता है वो uh, प्रिपेयर हो जाता है कि वो हॉर्स को चलाने के लिए सो so, वो एंकरेज करता है हॉर्स को uh, और अपना गर्दन ऊँची करके एकदम सीधा बैठ जाता है और वो विप को चलाता है ओनली एज अ हैबिट नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ट्रेन और कंट्रोल द हॉर्स द लिटिल हॉर्स ऑल्सो स्ट्रेच इट्स नेक बेंड्स इट्स वुडन लुकिंग लेग्स एंड मेक्स अ मूव अनडिसाइडेडली ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो लिटिल uh, हॉर्स है वो भी अपना गर्दन स्ट्रेच करता है अपने लेग्स को बेंड करता है एंड ही स्टार्ट्स मूविंग

यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव कीप टू द राइट ऑल्सो ऑफिसर एंग्रिली तो वो ऑफिसर पूछता है वेर आर यू गोइंग तो वो बोलता है टू द राइट तो वो बोलता है तुमको ड्राइव करना भी नहीं आता है ढंग से चलाओ तुम राइट को रखो देन द कोच अ कोच मैन फ्राम अ प्राइवेट कैरेट स्वेयर सेठन स्वेयर यानी कुछ गाली देना अ पास बाय Who has run across the road and rubbed his shoulder against the horse's nose looks at him furiously as he sweeps the snow from his sleeve. तो वो क्या करते हैं कोचमैन एक और कोचमैन जो है वो वो ठीक से नहीं चला रहे करके उसको गुस्सा हो जाता है और दूसरा जो रोड पे रन करता है वो अपने शोल्डर्स को रब करके हॉर्स के नोज से वो बहुत गु़स्से से देखता है और अपना पूरा स्नो जो है वो स्लीव से हटाता है क्यों क्योंकि वो हॉर्स के ऊपर का स्नो पूरा उसके शोल्डर पर गिर जाता है आई शिफ्ट अबाउट ऑन अ सीट एज इफ ही वर ऑन नीडल्स moves his elbows as if he were trying to keep his equilibrium and gasps about like someone suffocating who does not understand why and wherefore he is there so oh, iona, bhi kya karte? iona also starts moving in his chair like this he starts shifting his elbows moving his elbows and uh, gasping for air as if he's suffocating and uh, who does not understand why and where he is वट्स काउंटरुल्स दे ऑल आर जोक्स दियो ऑफिसर वन विंग देड ऑल एंड इन टू एन अग्रीमेंट जॉस्टिल यू एंड फॉल आन द योर हॉर्स तो वो ऑफिसर जो है उसको बहुत गुस्सा आता है कि लोग जो है वो जगह नहीं दे रहे हैं उनके कैरेज को जाने के लिए और वो ऑफिसर बोलते हैं कि ये लोग कितने स्टूपड लोग हैं ऐसे चल रहे हैं रोड पर जैसे उनको तुम्हारे हॉर्स के नीचे या तुम्हारे कैरेज के नीचे पढ़ के मरना है आयोना लुक्स अराउंड at द ऑफिसर एंड moves his लिप्स ही एविडेंटली wants टू say समथिंग बट the ओनली साउंड दैट issues is अ snuffle. तो वो बात करने की कोशिश करता है पर आयोना सुबह से लेके कुछ बात नहीं किया है तो उसकी आवाज़ जो है वो जम गई है तो वो जब बात करने की कोशिश करता है सिर्फ आवाज़ आती है पर बात नहीं आती है वॉट आर सी ऑफिसर आयोना ट्विस्ट इज माउथ इन टू स्माइल एंड विथ एन एफर्ट सेज hoarsely, माई सन Baron died दिस वीक तो वो अब जो है अपना आवाज़ क्योंकि यूजअली बहुत देर आप बात नहीं करते हो तो आपकी आवाज़ जो है वो हॉर्स हो जाती है यानी वो गड़गड़ी हो जाती है वो साफ़ नहीं रहती है आवाज़ बहुत देर कुछ घंटे के बाद अगर आप बात करते हो तो वैसी आवाज में वो बोलता है कि मेरा बेटा बारन जो है वो ही डाइड दिस वीक वॉट डिड ही डाई ऑफ तो पुलिस ऑफिसर पूछता है किस चीज़ से मर गए हैं आयोना टर्न्स हिज विथ हिज होल बॉडी टूवर्ड्स हिज फेयर एंड सेस एंड हु नोज दे से हाई फीवर ही हैज़ ही वॉज थ्री डेज इन दॉस्पिटल एंड देन डाइट गॉड्स विल बी डन सो वो बोलता है कि पता नहीं मुझे उसको बुखार था बहुत तीन दिन हॉस्पिटल में था तो उसके बाद वो मर गया टर्न राउंड द डेवल साउंड फ्राम द डार्कनेस हैव यू पॉपड ऑफ ओल्ड ऑगी हा यूज़ योर eyes. तो लोग जो है वो गलती से वो सामने आ जा रहे हैं कैरेज के ठीक से चल नहीं रहे और इसके ऊपर चिल्ला रहे हैं कि तुमको दिखता नहीं है तुम क्यों ऐसे चला रहे हो करके गो ऑन गो ऑन सेट दूमोरो तुम चलाते रहो चलाते रहो हर किसी के लिए रुकते रहे तो कल तक भी हम नहीं पहुंचेंगे कैब ड्राइवर अगेन स्ट्रेच इज ने अप एंड बैड ग्रेस ब्रांडिशेज इज विप को वापस वो करते हैं हॉर्स को तेज भगाने के लिए

तो वो ऑफिसर को वहाँ पे विबोर्ग में छोड़ देते हैं और उसके बाद एक टैवर्न टैवर्न इज अ स्मॉल टेंट काइंड ऑफ थिंग एक छोटी सी जगह होती है तो वो टैवर्न के पास जो है वो वापस इस तरह से झुक के बिना हिले डुले वैसे ही वापस मोशनलेस खड़े हो जाता है अपने हॉर्स के साथ एन आर एन आदर आर देन अलॉन्ग द फुटपाथ विद स्क्वीक ऑफ कैलोश एंड फॉरिंग केम कम थ्री यंग मैन टू ऑफ टॉल एंड लैंकी The third one शॉर्ट शॉर्ट एंड हम्प बैट हम्प बैट का मतलब होता है जिनको वो आ, उनका जो वो ऐसे झुका हुआ स्पाइन रहता है कुछ लोगों का वो जेनेटिक हो सकता है कुछ भी रीजन हो सकता है तो उनका स्पाइन ऐसे नहीं रहता ऐसे रहता है उनको हम्प बैक बोलते हैं तो आ, एक एक लड़का छोटा सा और हम्प बैट था झुका हुआ था और दो लड़के जो थे वो लंबे और लैंकी लैंकी का मतलब बहुत दुबले सामून इज़ वेरी थिन इज लैंकी so uh, there were two boys, uh, three boys who came here. so out of which two were tall and thin? the other one was short and uh, bent. cabby to the police bridge in a cracked voice calls the humpback. the three of us uh, for two griveniks. so uh, three of us uh, for two griveniks. itna pasadenghe. हमको पोलिस ब्रिज के पास छोड़ दो ये ऐसा बोल रहे हैं वो बॉयस आई नो अप हिज रीन्स एंड स्मैक्स हिज लिप्स टू ग्रिवेंस इज़ नॉट अ फेयर प्राइज बट ही डज नॉट माइंड वेदर ग्रिवेंस इज़ नॉट अ फेयर प्राइज बट ही डज नॉट माइंड वेदर इट इज़ अ रूबल और रूबलस अगैन द करेंसी देर ऑफ फाइव कोपेक्स टू हिम इट इज़ ऑल द सेम नाउ तो वो कैब ड्राइवर जैसे अभी वो पुलिस ऑफिसर जो है कोपेक्स देता है यहाँ पे छोड़ने के लिए विबॉग और अभी ये लड़के जो है ग्रिवेनिक्स देने के लिए बोल रहे हैं तो ये सब करेंसी है रूबल है तो वो आयोना जो है वो सोच रहा है कि अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लोग कुछ भी पैसे दें कितना भी ऑफर करें सब कुछ अभी मेरे लिए सेम है सो लॉन्ग एज दे आर फेयर्स यानी एज लॉन्ग एज मैं यहां से वहां लोगों को पहुंचा सकूँ तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने पैसे कमा रहा हूं दिस इज वॉट आयोना यंग मैन जॉसलिंग ई चादर जॉसलिंग एक दूसरे के ऊपर ऐसे कंधे पे हाथ रख के जो कूदते हैं उसको जॉसलिंग बोलते हैं बी द वन टू स्टैंड तो वहाँ पे उनके कैरेज में सिर्फ दो लोगों के बैठने की जगह थी तो वो लोग फिर झगड़ा करने लगते हैं कि कौन बैठेगा और कौन एक जन खड़ा रहेगा आफ्टर रैंगलिंग अब्यूजिंग रैंगलिंग का भी मतलब वही होता है कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करना या फिर गर्दन पे ऐसे हाथ रख के पकड़ना सो so wrangling एंड अब्यूजिंग ईच other एंड मच पेट्यूलेंस Petulance इज़ petulance इरीटेशन uh, से जो बात होती है Petulance इज़ बेसिकली टू बी वेरी इरीटेटेड विथ ईच other, annoyed विथ each other, एंग्री विथ ईच other.

ही 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 गिगल आयो ना सच अ नाउ यू सच अ हरी अप आर यू गोइंग टू टेक द होल वे एट द स्पेस आर यू डू यू वांट इट इन द नेक तो वो धमकी दे रहा है कि क्या तुमको गर्दन पे मैं मारूं क्या तुम इसी तरह से चलाने वाले हो क्या इतना धीरा धीरे चलाने वाले हो माई हेड फील्स लाइक बर्स्टिंग्स इज वन ऑफ द लैंकी वंस लास्ट नाइट एट द डोंक मस्कोस वास्का एंड आई ड्रैंग द होल ऑफ़ फोर बॉटल्स ऑफ कॉर्नयक सो कॉर्नयक इज़ अ टाइप ऑफ लिकर सो ये बोलता है कि हमने फोर uh, बॉटल्स पी लिया था लास्ट नाइट माई हेड इज़ बर्स्टिंग एक लड़का बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू लाइफ और सेज दी अदर वन एंग्रिल यू लाई लाइक अ ब्रूट तो दूसरा बंदा बता तुमसे ज़्यादा झूठ और कोई नहीं बोल सकता कितना झूठ बोलोगे God strike me, it's the truth. पहला बंदा है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ इट्स एज मच द्रूथ एज दैट एज लाउस क्या होता है लाइस जो होता है उसको वो फ्लूरल होता है जो जू होते हैं बालों में वो प्लूरल होता है लाइस लव इज़ अ सिंगुलर ऑफ दैट तो वो बोलता है कि जितना सच ये है कि एक जू जो है वो खांस सकता है उतना ही सच तुम जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो सो जैसे कि जू खांस नहीं सकता वैसे ही उसके बाद सच नहीं हो सकती दिस इज़ दी आइडिया दैट ही वॉन्ट्स टू गिव ह्योर ही ही ग्रिन्स आयोना व्हाट गे यंग जेंटलमैन सो गे योर मीन्स हैप्पी ओके सो इज इज़ वट गे यंग जेंटलमैन यानी कितने मजाकी और हंसी मजाक कर रहे हैं ये बच्चे दिस इज़ व्हाट ही मीन्स योर शॉक गो टू द डेवल से हम बैक इनडिग्नेटली इनडिग्नेटली इज टू बी वेरी एंग्री एट नॉट बींग ट्रीटेड फेयरली क्योंकि उनको बहुत हंसी मजाक वाले लड़के बोले हैं उनको गुस्सा आता है क्योंकि उनको लगता है वो सरकास्टिक या इंसल्ट कर रहा है तो वो गुस्से में बोलता है तुम चुपचाप चलाओ गाड़ी अपना एज यू आर यू गोइंग टू गेट ऑन और नॉट यू ओल्ड बेस्ट इज द वे टू ड्राइव यूज़ द विप ऑफ बिट गो ऑन डेविल गो ऑन गिव इट टू हिमवेल तो वो बोलता है कि क्या ये चलाने का तरीका होता है तुम्हारा हॉर्स इतना धीरे चला रहा है उसको वो विप ले के दो चार मारो तो वो जल्दी भागेगा आई ओ नो फील्स एट हज बैक द लिटल मैन रिगलिंग And the trembling in his voice. He listens to the insult hurled at him, sees the people, and little by little the feeling of loneliness leaves him. The humpback goes on swearing until he gets mixed up in some elaborate six foot oath or chokes on coughing. तो वो हम बैग जो है वो उस बेचारे को वो सभी लोग जो है वो मज़ाक उड़ाते हैं उसकी और उसकी तरफ देखकर कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं तो जैसे लोग उसके ऊपर ये कमेंट करने लगते हैं वो हम बैग को भी बहुत ख़राब लगता है इसीलिए शायद वो आयोना को जल्दी चलो जल्दी चलो बोल रहा है तो आयोना को भी अकेलापन नहीं महसूस होता है अब क्योंकि उसको पता है कि उससे भी ज़्यादा बुरे चीज़ों से गुजर रहे हैं कुछ लोग so the Lankis begin to talk about a certain Nadezhda uh, uh, Petrovna. Uh, ayona looks around at them several times. He waits for a temporary silence. Then turning around again, he murmurs, "My son died this week." To Iona को बहुत अकेलापन लग रहा है, उसको किसी के साथ share करना है चीजें, but कोई उससे नहीं बात कर रहा है. तो फाइनली वो वेट करता है कि ये लोग कब चुप हो जाए और जैसे ये लोग चुप होते हैं वो वापस इनको भी यही स्टोरी सुनाने की कोशिश करता है कि माई सन डाई दिस वीक वी ऑल मस्ट डाई साइज दी हम बैक वाइपिंग इज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कॉफिंग नाउ हरी अप जेंटलमैन आई रियली कैन नॉट गो एनी फारदर लाइक दिस वेन विल ही गेट अज एप तो, तो हम बैग जो वो खड़ा है तो उसको और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल uh, लग रहा है तो वो बोलता है कि हम सब uh, एक दिन मर ही जाएंगे uh, तो वो चिंता मत करो बस तुम चलाते रहो वेल जस्ट यू स्टिम्युलेट हिम लिटिल इन द नेक तो वो बोलता है कि थोड़ा सा उसको तुम uh, चाबी दो ताकि वो जल्दी जल्दी चले यू ओल्ड पेस्ट डू यू ही आई विल बोन योर नेक फोर यू इफ़ यू इफ वन ट्रीटेड द लाइक ऑफ यू विद सेमोनी वन वुड हैव टू गो ऑन फूड डू यू योर ओल्ड सर्प एंड गोरियंज और डू यू नॉट केयर एस्पिट तो वो बोलता है कि अगर हम लोग को गुस्सा आ जाएगा तो हम तुमको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हम तुमको बाहर फेंक के चले जाएंगे तुम्हारे कार्ट लेकर

I he he, gay young gentleman, now I have only a wife and a and the moist ground. He ho ho what to say what is to say the grave? My son has died and I am alive. A wonderful thing death mistook the door. Instead of coming to me it went to my son. तो वो बोलता है कि मैं क्या करूँ हाँ मेरी शादी हुई है अभी सिर्फ मैं और मेरी वाइफ और वेट मॉइस्ट ग्राउंड सो मॉइस्ट ग्राउंड क्या होता है जब किसी को बेरी करते हैं तो वहाँ का ज़मीन जो है वो खोद के वापस भरते हैं तो वहाँ की ज़मीन हमेशा गीली रहती है तो ऐसे इसकी अब मेरे पास सिर्फ मेरी बीवी और वो गीला ज़मीन है क्योंकि मेरी जगह भगवान ने मेरी बेटे को मेरे बेटे का लाइफ ले लिया है

फॉर अ शॉर्ट वाइल रिटर्न एंड रेन्स इज हार्ट विद ग्रेटर फोर्स तो जो अभी थोड़ा बहुत उसका ग्रीफ कम हुआ था जब वो लोगों से बात कर रहा था कोई लोग थे उसके साथ अब वापस उसको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था an anxious and hurried look, he searches among the crowds passing on either side of the street to find whether there देयर uh, may be just one person who will listen to him. So यहाँ पे बहुत सारे क्राउड्स पासिंग ऑन ईदर स्ट्राइड टू फाइंड वेदर देयर में जस्ट वन पर्सन हु विल टू हिम क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतने सारे लोग जा रहे हैं रोड में क्या ऐसा एक पर्सन नहीं है जो उसकी बात को सुने वेदर देयर में जस्ट वन पर्सन हु टू हिम बट क्राउड्स हरी बाय विदाउट नोटिसिंग हिम और ट्रावल येट इट इज सच एंड इल इिटमिटबल ग्रीफ इलिमिटेबल ग्रीफ यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी और यू नो समथिंग दैट यू कंट रिड्यूस और इलनेस कॉजिंग ग्रीफ था दुख था वो उनका शुड हिज हार्ट ब्रेक एंड द ग्रीफ पोर आउट इट वुड फ्लो ओवर द होल अर्थ तो इतना दुख भरा था कि अगर उसका दिल एक्सप्लोड हो जाए तो पूरी अर्थ uh, फिल हो जाएगी उसके दुख से सो इट सीन्स एंड येट्स नो वन सीज इट पर किसी को वो दिख नहीं रहा है इट हैज़ मैनेज टू कंसील इट सेल्फ एन सच एंड इन शेल दैट नो वन केन सी इट इवन बाई डे एंड विथ अ लाइट तो उसने इतना अच्छे से उसको कंसील कर लिया है उसके दुख को कि कोई भी उसको पहचान नहीं सकता और देख भी नहीं सकता है इतना ज्यादा उसने छुपा दिया है अपने दर्द और दुख को आई यू ना सीज अ हॉल पोर्टर विद समाइड्स टू टॉक टू एम तो एक पोर्टर दिखता है एक पोर्टर इज अ पर्सन इज यू नो सेलिंग लिक्विड एंड अदर थिंग्स तो हॉल पोर्टर दिखता है तो वो जाके उससे बात करने की कोशिश करता है फ्रेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट ही आस्क पास नाइन वट आर यू स्टैंडिंग योर फॉर मूव ऑन तो वो टाइम बता के बताता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आगे जाओ आई यू ना मूव ऑन स्टेप डबल इन सेल्फ अप and abandons himself to his grief he sees it useless to turn to people in less than 5 minutes he straightens himself holds up his head and as if he felt some sharp pain and gives a tug at the reins he can bear it no longer so uh, wo ye dekhta hai ki अब कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता है कोई भी उसकी दुख शेयर नहीं करना चाहता तो वो वापस झुक के बैठ जाता है पर वापस उसको लगता है कि अब मेरे से ये नहीं होता है तो वो वापस स्ट्रेट हो जाते हैं और वहाँ से चलता है निकलता है वो रिंग्स लेके वहाँ से चला जाता है द स्टेबल्स ही थिंग्स एंड द लिटिल हॉर्स एज अ अंडरस्टूड सैथ सॉफ्ट एट अ ट्रॉट ट्रॉट यानी धीरे धीरे से चलना तो वो स्टेबल्स को चलो करके बताता है तो वो हॉर्स को जैसे कि उसको समझ में आया है क्या बोल रहा है वो चलते चलते चला जाता है about an hour and a half later, iona is seated by the large, dirty stove. okay. around the stove, on the floor, on the benches, people are snoring. the air is thick and suffocatingly hot. iona looks at the sleepers, scratches himself, and regrets having returned so early. tovo, uh, joa, uh, uh, storkipas on the floor, on the benches. people are snoring. Wo snor kar एयर थिक एंड सफोकेटिंगली हॉट बहुत गर्म लग रहा है स्टोव के पास और लुक डेट द स्लीपर्स स्क्रैचेज इन सेल्फ एंड रिग्रेट है तो उसको लगता है कि इतनी जल्दी क्यों आ गया हूँ मैं वापस आई हैव नॉट इवन अर्नड माई फॉर्डो ही थिंग्स यानी मैंने आज के दिन के खाने के भी पैसे नहीं कमाए हैं दैट्स वॉट्स माई ट्रेबल तो बोलता है कि वही प्रॉब्लम है कि जो uh, आदमी जो है उसको अपना जॉब का क्या है सीन पता है और उसके पास और उसके घोड़े के पास अगर खाने के लिए सफिशेंट खाना हो तो वो आराम से रात में सो सकता है अ यंग कैब ड्राइवर इन वन ऑफ द कॉर्नर्स हाफ गेट्स अप ग्रांड स्लीपीली एंड स्ट्रेचेस टूवर्ड्स अ बकेट ऑफ वाटर डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक आई ओन डू आई वॉन्ट टू ड्रिंक That's so your good your good health but listen mate you know my son is dead did you hear this week in the hospital it's a long story तो अभी आई ओन एक यंग कैब ड्राइवर दिखता है जो पानी पीने के लिए उठता है नींद से तो ये जाके उससे बात करता है कि क्या तुमको थोड़ा सा कुछ पानी पीना है तो टू योर गुड हेल्थ और ऊपर से तुमको एक स्टोरी बताना है इट्स अबाउट माई सान

the old man मैन साइज इन his head, हेड जस्ट एज मच एज द यंग वन to टू ड्रिंक द ओल्ड मैन to टू टॉक दो वो वो जो लड़का नींद से जब के पानी के लिए झुक के जो पानी लेके पिया है उसको जितना पीना था इस ओल्ड पर्सन को उतना ही किसी से बात करना था इट विल सून बी अ वीक since his son died एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू स्पीक अबाउट इट properly टू anyone. एक हफ्ता हो गया और अभी तक वो किसी से बात नहीं कर पाया One must tell it slowly and carefully how his son fell ill. Son fell ill. How he suffered. What he said before he died, and how he died. One must describe every detail of the funeral and the journey to the hospital to fetch the son, dead son's clothes. His daughter Enicia has remained in the village. One must talk about her too. It has nothing to.

जब कोई अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करता है तो जब वो दूसरे लोग जो है वो सही टाइम पे शॉक एक्सप्रेस करते हैं सही टाइम पे सिंपथी एक्सप्रेस करते हैं सही टाइम पे एश्योरेंस एक्सप्रेस करते हैं तब हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है एक एश्योरेंस मिलता है कि हाँ हम अकेले नहीं हमारे साथ कोई लोग हैं जिनके साथ हम अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं तो वो जो सेटिस्फैक्शन होता है उस वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रीफ से ओवरकम करने के लिए तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ दुख है तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको लोगों से बात करना पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करना पड़ता है व्हेन यू डिस्कस व्हेन यू टॉक अबाउट इट देन यू स्लोली ओवरकम इट तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि ये जो लड़का है उसको भी बात करना है ये जो आदमी है आयोना उसको भी अपने बेटे के डेथ के बारे में बात करना था और उसको लगता है कि एक मे बी वूमेन से बात करना बेटर है क्योंकि वो लोग ज़्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल होते हैं और शायद वो ज़्यादा समझेंगे इनके प्रॉब्लम को और उनको बेटर फील होगा बात करके I'll go and look after my horse. thinks Iona. There's always time to sleep. No uh, sleep. No fear of that. तो वो बोलता है Iona कि मैं जाके अपने horse के पास बैठ जाता हूँ सोने के लिए तो बहुत time है अभी उसकी चिंता नहीं है He puts on his coat and goes to the stable to his horse.

पावित्रा इट्स वेरी ईजी टू फाइंड द फ्री स्टडी मटीरियल ऑन अन अकेडमी ऐप आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद यू नीड टू सेलेक्ट विच क्लास यू वॉन्ट द मटीरियल फॉर क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको कोर्सेज दिखेंगे बहुत सारे स्पेशल क्लासेज दिखेंगे तो उसमें जाके आपको सिर्फ डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर दोगे तो आपको स्टडी मटीरियल भी मिल जाएगा और सेशन्स भी और मिल जाएंगे ओके okay?

कैब ड्राइवर इन द सेंस नॉट द रेगुलर कार ड्राइवर ही इज़ अ हॉर्स इन कैरेज ड्राइवर ये प्रॉब्बली रशिया में सेट है ये स्टोरी तो वो इवनिंग के समय जो है वो बैठा हुआ है कोई सवारी नहीं मिल रही है उसको एंड देन फाइनली उसको एक पुलिस ऑफिसर और तीन लड़के इस प्रकार से दो तीन सवारी मिलती है तो ही ट्राइज टू स्पीक टू दैम बिकॉज ही लॉस्ट सन उनका बेटा मर जाता है लास्ट इस वीक में तो ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट एंड शेयर विद पीपल अबाउट हाउ हीज़ सन डाइड एंड व्हाट हैपन टू हेम बिकॉज उनको लगता है कि वो जब इसके बारे में सॉरी डिस्कस करेंगे तो ही फील बेटर सो ही ट्राइज टू टॉक टू पीपल बदर नोबडी इज इंटरेस्टेड टू टॉक टू हेम एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपन विद और व्हाट प्रॉब्लम ही हैज़ विद सन ओके लेट्स कंटिन्यू सो देन वो पूरा ढूंढ uh, ढूंढ के सब हर किसी से बात करने की कोशिश करता है पर कोई उससे बात करने के लिए नहीं तैयार होता है और उसको उसके बेटे के बारे में सोच के खराब लगता है बट ही डेव अ प्रॉब्लम विथ Talking about his son. He just cannot think about his son. So he tries to talk to a police officer who also doesn't show a lot of interest. Then there are three boys who get into the cab. They also do not show any interest in the story. And then when he comes back to the stable in the night, he tries to talk about them. Okay, your name is Pihu, fine. So uh, he went, he tries to talk to the young boy also, but that young boy also falls asleep, and he has nobody to talk to and uh, discuss his problems. Okay. Next, are you tucking in? Uh, Ayuna asks his horse, looking at his bright eyes. Go on tuck in though. Uh, we have not earned our corn. We can eat hay. So. आयोना सेज दैट आज इतनी सवारी नहीं मिली कि आई हैव मनी टू बाई कॉन फोर यू बट यू कैन डेफिनेटली ईट हे हे इज ड्राइड ग्रास ये सैम टू ओल्ड टू ड्राइव माई सन कूड हैव नॉट आई ही वॉज अ फर्स्ट स्ट्रेट कैब ड्राइवर इफ ओनली ही हैड लिव्ड तो वो बोलता है कि मेरे से ज्यादा बेटर तो मेरा बेटा है बट देन मेरा बेटा अब जिंदा नहीं रहा आयोना इज साइलेंट फॉर अ मोमेंट देन कंटिन्यूज दैट्स हाउ इट इज माई ओल्ड हॉर्स There's no more Kuzma uh, Ionich. He was he has left us to live and he went off pop. Now let's say you had a foal, you were the foal's mother and suddenly let's say the foal went and left you to live after him. It would be sad, wouldn't it? तो वो जब उस आयोना के पास कोई भी नहीं था इंसान बात करने के लिए तो आयोना गोज एंड टॉक्स टू हिज हॉर्स सो आयोना डजन हैव एनी पर्सन ह्यूमन बीइंग टू टॉक टू नो ह्यूमन बीइंग इज़ इंटरेस्टेड टू टॉक टू आयोना एंड आयोना वांट्स टू टॉक इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज पेन एंड सॉरू अबाउट हिज सन्स डेथ तो अब कोई ऑप्शन नहीं है सो आयोना टॉक्स टू हिज हॉर्स तो वो अपने हॉर्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि uh, अगर uh, तुम्हारा कोई uh, फोल फोल इज यंग वन ऑफ अ हॉर्स फोल होता और अगर वो फोल मर जाता तो हाउ वुड यू फील अबाउट इट द लिटिल हॉर्स मंच एंड ब्रीथ ओवर इज मास्टर्स हैंड तो वो लिटिल हॉर्स जो है वो सुनता है खाते खाते सुनते सुनते आ, उसके मास्टर के हाथ पे ब्रीदिंग आउट करता है आयोनाज फीलिंग्स आर टू मच फॉर एम एंड ही टेल्स द लिटल हॉर्स द होल स्टोरी तो अब आयोना के पास और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास उनके फीलिंग्स को किसी न किसी को एक्सप्रेस करना ही था उनको बात करना ही था सो ही एक्सप्रेसिज हिज फीलिंग्स टू द हॉर्स ओनली ही टेल्स द एंटायर स्टोरी टू हिस्स हॉर्स सो दिस इज अ स्टोरी योर Lament is basically a lament is a, a sorrow expressing sorrow is lament. Okay, so the story is based on that same idea of how uh, this person Iona tries to uh, show his sorrow towards uh, every towards the uh, death of his son. So, this is about the author Anton Chekhov. एटीन टेन टू नाइनटीन नॉट फोर तो ये उस समय की स्टोरी है इसी लिए हॉर्स कैरेजेज ये सब हैं और uh, बहुत सारा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है उस टाइम का वॉज बॉर्न इन अडल क्लास फैमिली इन रशिया ही स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी तो उन्होंने मेडिसिन पढ़ा था हिस्स फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अपियर इन एटीन एट्टी एंड इन द नेक्स्ट सेवन ईयर्स ही प्रोड्यूसड मोर देन सिक्स हंड्रेड स्टोरीज He also wrote plays Seagull, Uncle Vanya, The Three Sisters and the Cherry Orchards are among the most more famous ones. His work greatly influenced the modern short story and drama. The main theme of Chekhov's short stories is life's pathos. Pathos ka hota hai? feelings. Pathos meaning feelings or diseases. So, his, most of his short stories' theme was human emotions, feelings, or pain.

start uh, developing their uh, you know social network and everything but ultimately when it is required you are always alone and you don't have a lot of people to communicate to that is what this uh, story is about द प्रेजेंट स्टोरी इलास्ट्रेट दिस पॉइंट ब्यूटिफुली सो ये जो करेंट स्टोरी है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत खूबसूरत तरीके से सामने लेके आता है जिस प्रकार से आयोना जो है वो इतने पेन में ढूंढते रहता है कि कोई एक पर्सन मिल जाए जिससे वो अपने बेटे के बारे में शेयर कर सके और अपना पेन शेयर कर सके बट ही रजन फाइंड अ सिंगल पर्सन हुज़ इंटरेस्टेड इन हिम और हिज स्टोरी और टू लिजन टू हिम ओके okay understanding the text here let's understand this also let's just quickly do the questions comment on the indifference that meets Iona's attempts to share his grief with his fellow human beings so jo indifference ka matlab hota hai, koi farak na padna. so comment on the indifference that meets Iona's attempts yes so basically if you look at the police officer or the three boys they were concerned about their own problems but they were not concerned about other people's problems. तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आयोना को दुख लग रहा था या आयोना को कुछ शेयर करना था या हो सकता है उसको शेयर करने का मन हो कोई चीज़ इस प्रकार से उनको कोई फीलिंग्स नहीं आए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आयोना के फीलिंग्स है

पर्सन और वन यू नो एनिमल दैट हेज़ नॉट लेफ्ट आयोना अलोन वॉज इज हार्स वो उसका हॉर्स एक ही है जो उसके साथ हमेशा रहता है और उसका हॉर्स एक लौता है जो अयोना uh, का फाइनली स्टोरी भी सुनता है और उसका दुख भी बांटता है सो आयोना रियलाइज दैट इफ ही डजन हैव अदर ह्यूमन बींग्स टू डिस्कस हिज प्रॉब्लम्स एटलीस्ट इज हार्स इज प्रेजेंट विद होम ही कैन डिस्कस ऑल ऑफ प्रॉब्लम्स So let's look at this. Empathy and understanding are going out of modern society. The individual experience is intense. एलिय एलियनेशन फ्राम द सोसाइटी अराउंड हिम और हर दिस इज़ वेरी ट्रू सो यहाँ पे एम्पथी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एलियनेशन का एलियनेशन का मतलब होता है किसी को हम अपना नहीं समझेंगे और पराए समझ के छोड़ दें सो so, ये बहुत यू नो कॉमन हो गया है आजकल के सोसाइटी में एम्पथी इज़ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉर दी अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू सो दिस इज समथिंग विच इज़ लैकिंग इन टूडे सोसाइटी टुडे सोसाइटी हैज बिकम सो ड्रिवन विथ यू नो वर्क एंड अर्निंग मनी एंड सीकिंग यू नो कम्फर्ट फॉर योर सेल्फ दैट यू डू नॉट पे अटेंशन टू एनी वन एल्स दूसरों के प्रॉब्लम दूसरों को के बारे में सोचना या फिर एवरी वीक कम्युनिकेट करना लोगों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ भी उतना कम्युनिकेट करना टू स्टे इन टच ऑल दीज थिंगस आर कम्प्लीटली रेड्यूज टूडे Behind the public face of the people and various occupations is a whole saga of personal suffering and joy which they wish to share with others. So this is a very common fact uh, Jabi Kisiko problem aata hai. सबसे पहले उनको किसी से बात करने का मन करता है दे फील लाइक शेयरिंग दैट प्रॉब्लम विद अदर पीपल सो दैट इज अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी ये कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब किसी को दुख होता है तो उनको वो चीज तुरंत किसी के साथ शेयर करने का मन करता है देन लास्ट फोर क्वेश्चन द स्टोरी बिगिन विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेटिंग हाउ डज दिस सर्व एज अ फिटिंग प्रिलू टू द इवेंट्स डिस्क्राइब इन द स्टोरी तो जो स्टोरी मैं डिस्क्रिप्शन दिया है उससे हमको समझ में आ रहा है कि जो आयोना है उसको एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से क्योंकि वो इतने दुख से भरा है उसको इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उस... को कितने पैसे मिल रहे हैं दिन में एज लॉन्ग एज उसको लोगों के साथ बात करने को मिल जाए और वो लोगों के साथ रहे और अकेले ना रहे तब तक उसके लिए काफ़ी था सो दिस शोज दैट द डिस्क्रिप्शन एंड द सेटिंग जो एक्सप्लेन किया गया है उससे हमको एक और चीज़ समझ में आता है वैन इट्स वेरी कोल्ड एंड वेट आउटसाइड योर मूड इज ऑल्सो मोर सैड सो इफ यू सी मोस्ट पीपल फील लाइक ईटिंग समथिंग वेरी नाइस एंड यू नो लिजनिंग टू नाइस म्यूजिक

Comment on the graphic detail with which the various passengers who took Iona's cab are described. सो ग्राफिक डिटेल में जो दिया गया है इट्स द सेम थिंग वॉट यूर वॉट यू कैन पिक अप फ्रॉम द लेसन वेर योर ग्राफिक डिटेल यानी वर्ड फॉर वर्ड सो जिस प्रकार से दे व थ्री बॉयज़ वन व शॉर्ट एंड हम बैक दे वर टू बॉयज व टॉल एंड लैंकी एंड दे वर ट्राइंग टू यू नो रे रैंगल दैम एंड देर अब्यूजिंग ईच आदर सो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर दिस शॉर्ट स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द सिंगल इम्पॉर्टेंट इवेंट सिंगल इम्पॉर्टेंट इवेंट डिस्कस हाउ द नरेटिव इज वन अराउंड दैट सेंट्रल फैक्ट तो ये शॉर्ट स्टोरी एक सिंगल इवेंट के ऊपर है कौन सा सिंगल इवेंट है आयोना के बेटे का डेथ दैट इवेंट हैज़ डिस्टर्बड आयोना वेरी मच उसकी वजह से वो ओल्ड है तो वो ड्राइव भी ठीक से नहीं कर सकता है बट उसको ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि कोई सहारा नहीं है उसके लाइफ में एंड

वैसे ही स्टोरी के एंड में भी आयोना के साथ सिर्फ उसका हॉर्स था और कोई और नहीं था सो बेसिकली दिस इज टू शो दैट यूजअली समटाइम्स वेन यू डोंट हैव ह्यूमन इंटरेक्शन वैन यू डोंट हैव पीपल टू टॉक टू वैन यू फील लोनली देन मे बी हैविंग अ पेट एनिमल और यू नो Uh, even talking to yourself in front of the mirror might give you a lot of consolence and will also make you feel much better emotionally. That's the basic idea that uh, the sentence or the story wants to give about. So, thank you very much. I hope you have enjoyed the story and you have understood the essence and the moral of it. So, if you have any doubts or if you have any comments, please uh, post the comments below. And uh, you have the description uh, below of the An Academy Educator profile or Telegram channel. Be here, and if you want to subscribe to An Academy, you can use my code RITI to avail a ten percent discount. Thank you very much.